हेलो गाइस, आज सीखते हैं कि कंप्यूटर में फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है, या किसी फाइल को सेलेक्ट करके एक एक कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऑल कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक साथ चार फाइल कैसे सेलेक्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं और सीखते हैं। तो गाइस, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है और मान लीजिए हमें ये जो ऊपर की चार फाइल है ये एक जगह से दूसरी जगह करनी है। तो पहले हम माउस के इस वाले क्लिक से, इस क्लिक से एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे एरिया को सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोबारा इसी क्लिक को दबा के रखना है। इसी को सेलेक्ट करने के बाद दोबारा वहीं दबाना है, उसके बाद उठा के जहाँ पे ले जाना है हमें यहाँ रखना है। सपोज करो तो हम यहाँ छोड़ देंगे तो ये फाइल मूव हो गया। इसे कॉपी पेस्ट नहीं कहते हैं, इसे कट पेस्ट कहते हैं, इसे मूव कहते हैं। तो इसे मूव हो गया, अब दोबारा से हम वहीं पे रख देते हैं इन चारों को उठा के। ये चारों एक बार में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये चारों सेलेक्ट है। अगर एक फाइल को उठा के इधर रखना है तो एक फाइल पर क्लिक करेंगे, इधर कर देंगे, ये फाइल इधर आ गई। अब मान लीजिए हमें यहाँ से हटा के किसी और फोल्डर में डालना है, तो मैं एक पहले नया फोल्डर बना लेता हूँ। राइट क्लिक करा, न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे हम, और ये पहला ही जो ऑप्शन है ना फोल्डर का, इस पर क्लिक करेंगे। तो फोल्डर पर क्लिक करा हमने और न्यू फोल्डर के नाम से ही है। अब ये वाली जो फाइल है हमें इस फोल्डर में डालनी है, तो मैं आपको कॉपी पेस्ट सिखा देता हूँ। इसके राइट साइड में क्लिक करेंगे हम कॉपी, और इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ये ओपन हो गई। अब इसके अंदर जाके फिर हम राइट क्लिक करेंगे, और फिर राइट क्लिक करने के बाद ये आ गया पेस्ट का ऑप्शन, तो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। वो फाइल वहाँ भी है और यहाँ भी है, मैं मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ आपको। ये रही है वो फाइल, यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो गाइस, ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फाइल को। तो गाइस, सीखते हैं इस वीडियो में कि आप कट पेस्ट कैसे कर सकते हैं। सपोज करो आपको ये कट पेस्ट करना है, ये जो फाइल है लास्ट में, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, फोल्डर खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, वहाँ से फाइल उठी, यहाँ आ गई। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको दो तीन फाइल इकट्ठे करनी है, ये दो फाइल करके दिखाता हूँ। दो फाइलों को पहले लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड की मदद कंट्रोल एक्स करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ये इसके अंदर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। इस बार कीबोर्ड की मदद से ये अंदर आ गया, तो इसे बोलते हैं कट पेस्ट। अब कहते हैं कि फाइल सेलेक्ट कैसे होती है, तो ये बता देते हैं। कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। सबको एक साथ डिलीट करना है, वो डिलीट दबाएंगे, डिलीट हो जाएगी। इन सारों को उठा के दोबारा से डेस्कटॉप पे रखना है, कंट्रोल प्लस एक्स। अब ये सारी की सारी फाइलें डेस्कटॉप पे चली जाएगी। तो गाइस, ऐसे आप जो दो फाइल होती है उसके लिए मना करता है, तो मैं भी इसको मना कर देता हूँ, स्किप कर दो उस फाइल को, वो नहीं कॉपी पेस्ट करनी। तो गाइस, आई होप आप सीख गए होंगे कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कैसे करते हैं।